चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके यहाँ या उनके जीवन में कोई भी समस्या ज्यादा देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। ये आप सभी जानते हैं चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो चैत्र नवरात्रि में पांचवें दिन की पूजा का क्या फल होता है और इस पूजा को करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताने वाला हूं। ये कोई बड़ी पूजा नहीं है, सिंपल पूजा है दोस्तों, पर इस पूजा को कर लेने मात्र से पांचवें दिन की देवी स्कंद माता कहा जाता है। ये देवी के और भी दूसरे नाम हैं। स्कंद माता तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुमार कार्तिकेय की माता है। कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी कहा गया है, इसलिए उनकी माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा गया है। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि ये देवी की पूजा अर्चना आपको क्या क्या प्रदान कर सकती है। ये पर्वतराज की पुत्री होने के नाते इनका नाम एक पार्वती भी है और महादेव की पत्नी होने के नाते इनको महेश्वरी भी कहा गया है और माँ दुर्गा तो ये है ही, और इनका गौर वर्ण होने के कारण इनको माता गौरी भी कहा गया है। ये सिंह इनका वाहन है दोस्तों। इनकी पूजा नवरात्रि के पांचवें दिन होती है और इनकी पूजा करने वाले को जो भी इच्छा रखता है वो, जो भी उद्देश्य से ये पूजा की जाएगी उस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के योग तो इस पूजा को करने के बाद अपने आप बनने लग जाते हैं। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो इस पूजा को करने से 100% मन चाहे पात्र से आपकी शादी हो जाएगी। पैसे की आपके पास कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी। आपके यहाँ रोग भी कोई आपको नहीं लगेगा ये माता की पूजा करने से। इनकी सिंपल पूजा है दोस्तों। आपको करना क्या है, नवरात्रि के पांचवें दिन या तो ये पूजा आप सुबह कर लें या फिर ये पूजा आप शाम को करें। आप दोनों टाइम में से कभी भी कर सकते हैं। सुबह करें तो ज्यादा अच्छा होगा और शाम को भी करेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पर इस पूजा में आपको ध्यान रखना है स्वच्छता का, पूरा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले नहा धो के स्वच्छ होके और माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं माता गौरी की, तो आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो कोई भी। अगर सारे वस्त्र आपके पास सफेद ना हो तो कोई एक वस्त्र आप सफेद जरूर पहने। अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थान में जाएगा, वहां एक चौकी जो लकड़ी की होती है
वो चौकी बिछा लें और चौकी पे एक कपड़ा बिछा लें। उस चौकी के ऊपर आपको ये कोई भी तांबे का, पीतल का, चांदी का या कोई भी धातु का आप एक कलश लेना और उस कलश में जल भर ले। इससे पहले दोस्तों आप जाके आसनिक में बैठे, सबसे पहले वहां गंगा जल से शुद्धिकरण अवश्य कर ले। मैंने पहले भी कहा है कि स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, उसके बाद कलश में जल भर लें और उस कलश के अंदर आपको दो चार सिक्के डाल देने हैं, कोई भी एक रुपए के, पांच रुपए का, दस रुपए का, जो भी आपसे बन पड़े वो सिक्के उसमें दो तीन चार कलश के अंदर डाल दें। और उसके बाद आप जो भी आपने प्रसाद में बनाया हो, पर इनके लिए प्रसाद केले का अवश्य रखें दोस्तों। केला ये देवी को बहुत पसंद है, इसलिए प्रसाद आप केले का ही अर्पित करें और बैठ के वहां आपको हल्दी, रोली, कुमकुम, जिससे भी आप चाहे माता को तिलक करें, घी का दीपक जलाएं, तो अगरबत्ती लगा दें, अगर आपके पास धूप की व्यवस्था है तो धूप की भी एक बत्ती जला दें, और आपको पीले फूल या गुलाब दोनों आप चढ़ा दें और वहां बैठ के आपको तुलसी की माला लेके एक मंत्र का 108 जाप करना है। क्या करना है? तुलसी की माला उठा के एक मंत्र का 108 जाप, मतलब एक माला जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये शक्ति रूपेण कहा है मैंने संस्थिता, उस जगह पे आप स्कंद माता भी कह सकते हैं, और अगर नहीं कहते तो ये मंत्र भी अपने आप में पूरा है। इस मंत्र की आप एक माला जाप कर ले। मंत्र में फिर से बोल रहा हूं, आपको कहीं भी मिल जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र की आपको एक माला जाप करने के बाद आपको माता की विधिवत आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको केले का प्रसाद माता को भोग लगाना है। ये करने के बाद आपको इस प्रसाद को आपकी जितनी भी बड़ी फैमिली है पूरी फैमिली में ये प्रसाद बांट देना है, और आपने जिस इच्छा से ये पूजा की है, पूजा पूरी होने के बाद देवी के सामने आपको हाथ जोड़ के अपनी इच्छा बोलनी है दोस्तों। वो इच्छा आपकी 100% पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये देवी पहाड़ पे बैठ के पूरे संसार में प्राण फूंकती रहती है, और ये संसार चेतन उसी से है। ये देवी की कृपा से ही ये संसार चेतन है, और ये कुमार कार्तिकेय की माता है, तो आप सभी जानते हैं माता अपनी संतान की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है, तो ये माँ का रूप है, और इस रूप से आप जो भी मांगेंगे
वो आपको 100% मिल जाएगा। ये पांचवें दिन की पूजा आपको कुछ भी प्रदान करने में अपने आप में सक्षम है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि इस पूजा को महिलाएं, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात इस पूजा में बुद्धिहीन को भी बुद्धि आ जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तो ये पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये देवी बुद्धि की भी देवी है और ये बुद्धि प्रदान करती है, तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। किसी भी कोई भी इस पूजा को कर ले, और स्टूडेंट्स के लिए खास जिनको संतान की आवश्यकता है उनके लिए भी ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी की जिनको आवश्यकता है, मतलब पैसे की आवश्यकता है, उनके लिए भी ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो मांगोगे वो फल इस पूजा से आपको प्राप्त होगा। केले का प्रसाद चढ़ाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार।